अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद हारिस अपनी धुआंधार बैटिंग की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कोई लंबी इनिंग्स तो उनके क्रेडिट पर नहीं है, लेकिन उनका बैटिंग स्टाइल, खास तौर पर उनके बुलंदो बाला छक्के दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट में बहुत मकबूल हैं। और अब उन्हें बना दिया गया है पाकिस्तान शाहींस का कप्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में। पाकिस्तान शाहींस की टीम पहुंच चुकी है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का शहर, जहां बांग्लादेश ए के खिलाफ दो फोर डे मैचेस में साहिबजादा फरहान पाकिस्तान शाहींस की कप्तानी करेंगे और इसके बाद शुरू हो जाएगी व्हाइट बॉल क्रिकेट। और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी में आ जाएगी तब्दीली और हारिस रऊफ को सौंपी जाएगी कप्तानी। याद रहे कि हारिस रऊफ के क्रेडिट पर बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान शाहींस की जानिब से। आपको याद होगा इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद हारिस ही की कप्तानी में इंडिया इमर्जिंग टीम को शिकस्त देकर शानदार कामयाबी हासिल की थी। अब एक मरतबा फिर मोहम्मद हारिस बतौर कप्तान उतरेंगे मैदान में व्हाइट बॉल सीरीज में। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं हमारे पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। पाकिस्तान शाहींस की जो टीम अनाउंस की गई है बांग्लादेश के खिलाफ दो चार रोजा मैचेस के लिए, उसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में कुछ तब्दीलियां होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 चेंजेस का ऐलान किया है व्हाइट बॉल टीम में। जो टीम अनाउंस पहले की गई है वो बांग्लादेश के खिलाफ रेड बॉल के दो फोर डे मैचेस खेलेगी और उसके बाद व्हाइट बॉल सीरीज के लिए 7 खिलाड़ी चेंज होंगे। ये 7 खिलाड़ी कौन से हैं? उनमें मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इमरान जूनियर, उस्मान खान, अब्दुल फसी, अरफात मिन्हास, आरिफ याकूब और जहांदाद खान हैं। जबकि व्हाइट बॉल सीरीज़ के लिए जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाएगा और वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, उनमें कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मेहरान मुमताज़, मोहम्मद अली, मुबस्सर खान, तैयब ताहिर और उमर अमीन हैं। इस तरह पूरा स्क्वाड जो व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अनाउंस किया गया है उसकी तफसील कुछ यूं है। मोहम्मद हारिस कैप्टन होंगे, अब्दुल फसी, अरफात मिन्हास, आरिफ याकूब, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान, जहांदाद खान, काशिफ अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान जूनियर, उमर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, शाहनवाज धानी और उस्मान खान। तो इस तरह से आप जानते हैं कि व्हाइट बॉल सीरीज़ का आगाज़ 4 अगस्त से होगा। 50 ओवर मैच पाकिस्तान शाहींस ने खेलना है नॉर्दर्न टेरिटरी के खिलाफ और उसके बाद 50 ओवर सी का मैच 6 अगस्त को होगा बांग्लादेश ए के खिलाफ और उसके बाद फिर शुरू होगी टॉप एंड T20 सीरीज़, जिसमें पाकिस्तानी टीम 10 तारीख को पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। इसके बाद पाकिस्तान शाहींस का अगला मुकाबला मेलबर्न स्टार्स से है। इसके बाद टस्मानिया की टीम से मैच होगा, मेलबर्न रेनिगेड्स की टीम से भी मैच है, बांग्लादेश ए की टीम भी सीरीज में शामिल है और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान शाहींस मैदान में उतरेंगे। तो हारिस रऊफ की सलाहियतों का एक मरतबा फिर इम्तहान है। हारिस रऊफ अब तक 83 T20 मैचेस में 1786 रन बना चुके हैं और 146 का बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है उनका और उन्होंने 10 50s बनाई हैं, 174 चौके और 87 छक्के अब तक वो T20 क्रिकेट में लगा चुके हैं।